जय गुरु जी। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। जो आपने अभी इस महीने अगस्त के मंथ में जो आपने मेरे मन की, मेरे दिल की जो आपने पुकार सुनी और मेरा वो काम, मतलब मैं ये सोच के कि मेरी इज्जत बनी रहे, क्योंकि वो मतलब वो मेरी बहन, उनकी बेटी का मेडिकल में एडमिशन होना था, वो लोग मतलब नहीं मानते, उनके अपने जो भी था। तो मैंने अपनी तरफ से आपका नाम लिया, आपको दिहा के कि गुरुजी ये आए हैं बच्चे की एडमिशन करवाने, तो इसका सारे काम आसानी से हो जाए। क्योंकि उस मेरी बहन सिस्टर जो मेरी आंट वो है, वो कहती है कि इसका कोई भी काम इतनी जल्दी नहीं हो पाता। तो मैं सोचू नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, गुरुजी का नाम लेके चलेंगे तो जरूर हो जाएगा। हम लोग आगरा गए मेडिकल में एडमिशन के लिए, सारा काम हो गया, लेकिन उसका 10th का सर्टिफिकेट नहीं था ओरिजिनल। उन्होंने बोला आप हफ्ते के अंदर हमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट लाके दे दे, तो मतलब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हो जाएगा एडमिशन भी। तो अब हम लोग आ गए वापस घर, तो ये प्रोग्राम बन रहा था कि वो सोची थी मैं वापस अमृतसर से, वो आई थी कि मैं वापस जाऊं फिर लेके, स्कूल से भी निकलवाना, भी तो स्कूल से भी नहीं लिया। तो मैंने कहा चलो तुम अपने बेटे को, तो वो स्कूल गया होगा ना, उसको फोन कर दे अगर। तो उसको था, एक टीचर थी जो मतलब वो काम कर सकती थी, जो इसको ट्यूशन भी लेती थी उनकी। तो चलो वो फोन टीचर को किया, टीचर ने मतलब जैसे तैसे करके उसका सर्टिफिकेट निकलवा के उसके बेटे को दे दिया, सर्टिफिकेट भी घर आ गया। अब दिक्कत क्या थी कि वो लाना है, और मेरे हस्बैंड कहते अच्छा चलो रुको 1 मिनट। उन्होंने मतलब हमारे नेबर में ही रहते हैं मंगला अंकल, तो वो है जीएम है रेलवे में। तो कहते उन्होंने फोन किया उनको कि ऐसे ऐसे कोई पेपर है जरूरी, तो आप मतलब अगर हो सके तो कोई ला सके। तो उन्होंने बोला ठीक है आप मेरे को टाइम दो, मैं किसी बंदे की ड्यूटी लगाता हूँ। फिर उन्होंने किसी को बोला होगा, वो उन्होंने फोन किया, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करें, आप एक नंबर नोट करो, आप उनको फोन कर दो, तो रात की शताब्दी में वो लेते आएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने ठीक है, मैं उन्होंने नंबर नोट कर लिया। फिर उन्होंने उस बंदे को फोन किया, तो उसको बोला कि वो पेपर लाने हैं आपकी ड्यूटी, मतलब उनका नाम लिया कि उन्होंने बोला था, तो ऐसे ऐसे करके। फिर कहते हाँ मुझे आ गया फोन, तो आप मुझे पेपर 4:15 बजे तक स्टेशन पर पहुंचा दें। मजे की बात ये है संगत जी, मैं ये जो बताने जा रही हूँ कि उसके हस्बैंड थोड़े से, मैं जो शब्दों में नहीं बता सकती, मतलब बुरे नहीं है, पर ऐसे भी नहीं है कि वाइफ ने बोला और वो कर, चाहे उनके बच्चे का वो काम था कि वो फटाफट कर दें, क्योंकि उनका बिजनेस भी ऐसा है, उनका शॉप है फार्मेसी की, वो छोड़ नहीं सकते 1 मिनट के लिए भी, होलसेल का काम है। तो उस दिन क्या हुआ, अचानक से उन्हीं के एरिया की स्ट्राइक हो गई, तो उनकी शॉप हो गई बंद, जो मतलब हम सोच नहीं सकते। जो संडे को उनका बंद होता, सिर्फ उसके सिवा कभी बंद नहीं होती उस दिन स्पेशली। मतलब मैं तो इसको मिरेकल ही मान के चल रही हूँ कि जो कभी पॉसिबल नहीं था वो हुआ उस दिन। तो वो उसको बोला, उसने फिर जाके स्टेशन पे अपने बच्चे के वो सर्टिफिकेट दिया, शाम को आया, मेरे हस्बैंड अंकल गए जाके लेके आए। नेक्स्ट डे फिर हम लोग आगरा गए, वहां जाके हमने दे दिया, सबमिट करवाया, उसका एडमिशन हो गया। मतलब मैं बताना चाह रही हूँ मिरेकल ये हुआ कि मेरे हस्बैंड ने तो जो किया अपना जो उनका था, लेकिन जो उसके हस्बैंड का वो जो स्ट्राइक होना, वो हमारे लिए मिरेकल है। क्योंकि उनका काम ऐसा है, क्योंकि मैंने 22 साल उसकी शादी को हो गए, मैंने आज तक नहीं सुना था कि कभी ऐसे कोई, कि कभी ऐसे हो या अचानक बंद हो। हाँ जो उनके मतलब हॉलीडेज जो होती हैं फिक्स, वो तो होती होती हैं, बट ये इस टाइम के लिए ये एक बहुत बड़ा मिरेकल था। तो उसके लिए मैं गुरुजी को शुक्राना कर रही हूँ, गुरुजी की आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपकी वजह से उस बच्चे का एडमिशन जहाँ चाहती थी वहां हो गया। और मैं गुरुजी को बस हमेशा यही, मैं पैसा नहीं मांगती गुरुजी से, कुछ नहीं, मैं मांगती हूँ सिर्फ मेरे बच्चों का सर पे हाथ रखना, उनकी जिंदगी, उनकी मतलब कष्ट ना सहे वो, अच्छे से मेरे बेटी के लिए कोई लाइफ पार्टनर जो मैं
ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा, मेरे सामने लाके खड़ा कर दें ताकि मुझे हो कि हाँ यही है लड़का इसके लिए बना हुआ। बस गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप जैसे दूसरों के, मेरा भी बस ये छोटे छोटे मेरे काम आपसे, सिर्फ ये छोटे छोटे, मुझे पता है मांगना, आप बोलते हो नहीं मांगना, पर हमारी इंसान हो ना, फितरत नहीं जाती ये मांगने की। मैं क्या करूं, माँ भी हूँ, सबसे बड़ी बात है माँ भी हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं नहीं मांगूंगी तो और कौन मांगेगा। तो गुरु जी मैं तो आपको अपना भाई, अपना सब कुछ मानती हूँ, तो गुरु जी आप मेरे बच्चे के भी कष्ट जो है उसके दूर करो, दोनों बच्चे मेरे सेट हो जाएं, बस आपसे यही मेरी एक दुआ करती हूँ आपसे, बस शुक्राना आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना तेरा, शुक्राना शुक्राना तेरा, शुक्राना शुक्राना तेरा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। ये हमारे शिंक के अंदर पौधा उगाया है, कल तक इसमें कुछ नहीं था, कल तक इसमें कुछ भी नहीं था, कल मैंने बर्तन मांजे हैं, ये शिंक एकदम साफ थी, कुछ नहीं था इसके अंदर। और मैं हैरान हो रही हूँ, अभी मैं सुबह उठी हूँ नहा धोके, मैं पूजा करने आई हूँ, तब इसके अंदर मैंने देखा ये इतना बड़ा पौधा उगा हुआ है। और कल गुरु जी का मैसेज आया था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, अपने घर की साफ सफाई कर ले, मैं तेरे घर आ रहा हूँ है। और मुझे छतरपुर जाने के आदेश दिए थे गुरु महाराज जी ने, तो छतरपुर जाने की हम लोग तैयारी कर रहे थे। गुरु महाराज जी का मैसेज आया था 2 दिन पहले कि मैं तेरा हाथ पकड़ के तुझे छतरपुर लेके जाऊंगा, तू चिंता मत कर, तू तैयारी कर अपनी। और देखो रात रात में गुरु संगत जी इतना बड़ा पौधा उगाया, ये आप देखो कि आपको लगता है कि रात रात में, कम से कम ये जितना बड़ा पौधा उगाया, कम से कम इसको उगने के लिए 5 से 6 दिन कम से कम चाहिए, या उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, क्योंकि बाहर भी हमने पौधे लगाए हैं वो इतने उगे हैं पर वो इतने बड़े नहीं हुए, उनको 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, 10 दिन होने वाले हैं। और संगत जी पहला चमत्कार नहीं है, जिस दिन गुरु जी का स्वरूप लेके मैं आई थी उस दिन हमारे घर में एक ऐसा प्लांट था जिसमें जो बढ़ता नहीं है, जो इंडोर प्लांट्स होते हैं जो बढ़ता नहीं है, बस जो लगाते हैं वही, उसी में ही पत्ते निकलते हैं। पर हैरानी ऐसी हुई कि वो पुराना वाला प्लांट सारा सूख गया और नीचे से जड़ों में से नया पौधा निकल आया बिल्कुल। और 2-3 दिन के अंदर अंदर ही वो इतना बड़ा हो गया पौधा। संगत जी मैं आपको उसके भी दर्शन करवाऊंगी। गुरु जी के आते ही वो अपने आप उगा, अपने आप जैसे उनकी वो जो पॉजिटिव एनर्जी है, उनका जो ऑरा है, जैसे उससे पूरे घर का माहौल इतना अच्छा हो गया। गुरु जी संगत जी मेरे को गुरु महाराज जी कई दिनों से कह रहे हैं कि तू सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी सत्संग शेयर करने की। पता नहीं क्यों अंदर से एक डर है, एक घबराहट सी है, पता नहीं क्यों है वो, मुझे भी नहीं पता। ये देखो संगत जी ये जो पौधा है, जिस दिन मैं लेके आई हूँ, गुरु महाराज जी हमारे साथ आए हैं, उनका स्वरूप हमारे साथ आया है, वो भी उन्हीं का आदेश था कि तू जा, मैं तेरी इंतजार कर रहा हूँ, मैं तू जा। उन्होंने कैसे कैसे रास्ते बनाए, ये भी संगत जी बहुत बड़ा सत्संग है। मैं आज ही कोशिश करूंगी, मैं आज ही गुरु महाराज जी के आदेश से मैं आज ही सत्संग शेयर करूंगी कि मेरी जर्नी कैसी रही, क्योंकि गुरु महाराज जी ने मुझे ये आदेश दिया है कि तू अपनी जर्नी शेयर कर और एक बड़ा सत्संग सुनाने की तैयारी कर, क्योंकि गुरु महाराज जी को पता है, उन्होंने 1 महीने में मेरे साथ ऐसा ऐसी चीज़ें करी हैं कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं हमारे साथ कि हम हैरान हो जाते हैं, रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हम हैरान हो जाते हैं कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है, हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे साथ वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है। ये मैं आपको दर्शन करवा रही हूँ संगत जी। जय गुरु महाराज, शुक्राना 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 गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना हमारे परिवार पे, सारे सारी संगत पे, अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिए, सबकी सहायता कीजिए गुरु महाराज जी, सबको अपने चरणों से जोड़िए, सबको अपने चरणों से जोड़िए गुरु महाराज जी, सबका हाथ ऐसे ही थाम लीजिए जैसे आपने मेरा थामा था। बस यही गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं ये वीडियो अभी के लिए समाप्त कर रही हूँ संगत जी, और मैं जल्दी ही आपके सामने एक गुरु महाराज जी के आदेश से एक सत्संग शेयर करूँगी। वो सत्संग बहुत बड़ा होगा, लेकिन आप देखेंगे कि मेरी जो बचपन की जर्नी है, तब से लेके अब तक मेरे साथ क्या क्या होता आया है, और कैसे गुरु महाराज जी अब से नहीं बचपन से मेरे साथ थे, बचपन से मेरे साथ थे, और कैसे कैसे उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा, कैसे कैसे चमत्कार उन्होंने दिखाए इस 1 महीने 1.5 महीने में। मैं हैरान हूँ, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरे साथ क्या 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 हो रहा है, मतलब बहुत बहुत हैरानी हो रही है मुझे इस चीज़ की। संगत जी जय गुरु महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थोड़ा लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना।